नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहनों, और कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, तैयारी वापस चालू कर दी होगी आपने, क्योंकि इस डगर पर तो चलना ही पड़ेगा, रुकना नहीं, रुकना नहीं। तो दोस्तों, भोजन कर लिया होगा आपने, या नहीं किया हो कर लेना। तो चलते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो सूचना तकनीकी है ना, इस वीडियो में आप पढ़ोगे सूचना तकनीकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूर्व एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वीडियो अच्छे से देखें, पूरी जरूर देखें। और ये वीडियो आपके लिए रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कंप्यूटर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सूचना तकनीकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप अगर पूरी वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हो, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, है ना। चलते हैं। लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ? तो 1981 में दोस्तों, जो लैपटॉप का आविष्कार हुआ था 1981 में। IBM कंपनी की स्थापना कब हुई? तो सन 1924 के अंदर IBM कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। BIOS का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान होना चाहिए कि BIOS का पूरा नाम। कंप्यूटर किस के बिना काम नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, तो इसको जरूर ध्यान रखना। कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा। जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। CPU से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है तो क्या कहलाती है? पेरिफेरल, है ना। पेरिफेरल्स है वो CPU संबंधित उपकरणों को कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो ध्यान होना चाहिए, जो बूटिंग प्रोसेस है वो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड होता है, उसी को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तब ये प्रोसेस होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में। तो ध्यान होना चाहिए, वाशिंगटन में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व, एक टेट्रा वोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है तो केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करता, और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता, दोनों में। ओके, तो ध्यान होना चाहिए जो सीरियल पोर्ट है वो क्या करता है? केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, है ना, दोनों में। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो CPU, है ना। कौन करेगा कंप्यूटिंग? तो CPU करेगा पर्सनल कंप्यूटर में। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है नियंत्रण युक्ति यानी कि कंट्रोल यूनिट CU, ओके, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और प्राथमिक स्टोरेज, है ना, प्राइमरी स्टोरेज। तो ये तीन चीज़ CPU के अंदर पाई जाती है या मिलेगी, और तर्क युक्ति तो होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को। जैसे शरीर में, मानव शरीर में नर्व होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, नर्व होता है दोस्तों। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में हो, क्या हो, या उसको कुछ एप्लीकेशन आना चाहिए तब जाके वो सक्षम कहलाता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पेडलॉक का रंग होता है? तो नीला, क्या होता है? नीला रंग होता है दोस्तों वेबसाइट। कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को किससे नापा जाता है? तो MIPS, मिशन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में, और दूसरा घड़ी के मेगाहर्ट्ज में। ओके, तो ज़रूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1970 में, ध्यान रखना चाहिए, 1970 में शिक्षा में वर्ष में प्रारंभ हुआ था।
कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर है दोस्तों सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 नहीं कम थे, 3 क्वेश्चन शायद कम है इसमें। तो आप इसी तरह से प्यार बनाए रखें, चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो वॉच करें प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। तो ये थे, ये रीट जो थर्ड ग्रेड मेन पेपर होगा उसमें बहुत ही कारगर साबित होंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और सुनो दोस्तों, कि मैंने जो प्ले लिस्ट बनाई है उसमें से जो भी आपको उचित लगे उन्हीं वीडियो को देखें, है ना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।